बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर शिदाद है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूईटी से कर रहा हूँ। जैसा कि मैं डिप्लोमे के बच्चों को मैथ करवाता हूँ, आज हम करेंगे डिप्लोमे की मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर टू। उस चैप्टर नंबर टू का नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं उसके फंक्शन के लिहाज से, तो वो उसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ जो एक्स लिया हमने फंक्शन, उसका जो वेरिएबल होगा वो भी क्या होगा? एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? वन। अगर हम किसी भी फंक्शन का वेरिएबल लेते हैं उसके लिहाज से, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? वन आता है, अगर उसकी पावर क्या हो तो वन हो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है इधर, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन क्या है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन जो लिखा हुआ है वो है 7x की पावर 7। इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि इसका हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम y के इक्वल पुट करेंगे। किसके इक्वल पुट करेंगे? y के। 7x की पावर क्या? 7। इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे x के लिहाज से, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा और 7। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था डेरिवेटिव का, जो डेरिवेटिव कोई भी कॉन्स्टेंट हो, यानी कॉन्स्टेंट डिजिट नंबर कोई भी हो, तो वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है? स्टार्ट में रहता है। अगर डिजिट नंबर या कॉन्स्टेंट एक अलग चीज है, अगर फर्स्ट में अगर आपसे कोई पूछे डी वाई बाय डी एक्स लो आप लोग 8 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का वेरिएबल का, किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का आप जो डेरिवेटिव लेते हो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आता है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। इसका जो x है इधर y के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब हम इस तरफ आ गए, इस तरफ हमारे पास ये x पावर 7। अभी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट था वो हमारे पास 7 था, वो हमने 7 इधर इस तरह लिख दिया। अब इधर x की पावर हमारे पास क्या आती है? ये 7 आपका स्टार्ट में आ जाएगा और x की 7 में से 1 आपका क्या आएगा? माइनस आएगा। और एस जो जिस वैल्यू की पावर होती है उसको पावर को छोड़ के उसका आगे हम क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 7 से मल्टीप्लाई करता आपके पास आएगा 49 और इधर हम एक्स की पावर आपको क्या आएगी? 6 आएगी। ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, किसी भी एक सिंपल इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास लिखा हुआ है 3x की पावर 2 - 3x - 1/2। इसका हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं? इसका हम डेरिवेटिव सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y इक्वल पुट करेंगे 3x² - x 1/2 - 1। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x किसके लिहाज से लेंगे इसके, इस तरफ आप वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू। इस हमारे पास जो वेरिएबल को क्या एक्स है, उसका जो हम इसका इस इक्वेशन का जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो किसके लिहाज से लेंगे? हम एक्स के लिहाज से लेंगे। डी वाई बाय डी एक्स हमारा ये वाला आ गया, तो इधर हम हर अलग एक फंक्शन का क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है, ये बार डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा और यहाँ हमारे पास एक्स की पावर कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ हमारे पास कितना? 1/√x हमारे पास क्या आ गया। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन का आगे क्या होगा। अब ये 3 था, ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा और इसके बाद जो 2 था, मैंने बताया था आपको वेरिएबल की पावर जो होती है वो शुरू में रहती है, इधर इसका 2 शुरू में आ जाएगा और x में 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और जो पावर के अलावा वेरिएबल का क्या लेते हैं? हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये आपका डेरिवेटिव आ गया।
अब हम इस वाली वैल्यूज का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इस वाली डेरिवेटिव ऐसे लेंगे हम, अगर मेरे पास x की पावर x के ऊपर अंडर रूट है कोई, उसकी अंडर रूट का मतलब 1/2। अब इसका 1/2 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर डी वाई बार डी एक्स ऐसे एक्स माइनस 1/2 आ जाएगा मेरे पास। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो इधर x की पावर क्या आएगी 1 आएगी। तो इधर आप x का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आपके पास आएगा 1 आएगा। अब हम इधर देखते हैं अगली चीज का आंसर क्या था। अब ये आपके पास 1/2 है तो ये आपके पास माइनस 1/2 ऐसी आ जाएगा स्टार्ट में, और x में से माइनस 1/2 में से 1 माइनस होगा आपका। और इसके अलावा आपकी जो होगी पावर के अलावा विलियम्स का हमने क्या लेना आगे डेरिवेटिव लेना है। ये आपका 6x आ गया। यहां आप देखो ये जो माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास प्लस हो गया। अब ये 1/2 आपके पास ऐसे रहेगा, ये आपके पास x आ जाएगा। इसका आप लेना एलसीएम, इसका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर सिंपलीफाई कर लेते हैं 1/2 - 1। इसके नीचे क्या 1 है तो नीचे 2 आएगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 1 को इधर मल्टीप्लाई करो माइनस 1 और माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा -3/2। तो इसका जो -3/2 क्या आएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो आप इसका फाइनल आंसर देखते हो 3x + 1/2 और x की पावर -3/2। इस -3/2 को आप नीचे भी ले जा सकते हैं, वो कैसे वो इस तरह ये 6x ऐसे आ जाएगा, ये प्लस ये 1/2 और ये आपका जो नीचे आएगा ये x की पावर 3/2, क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी प्लस में हो चुकी नीचे आ गए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 था जो मेरे पास वो मेरे पास है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास x की पावर 2 माइनस x की पावर माइनस 2, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इसका हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, मेरे आपको जब भी किसी भी चीज का आप डेरिवेटिव लो उसको सबसे पहले x के इक्वल पुट करो। वो कैसे वो आपने इस तरह x इज इक्वल टू एक्स के और x माइनस के, इसको y इक्वल क्यों पुट करते हैं? जब हम किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे डी वाई बाय डी एक्स आया था। अगर डी वाई बाय डी एक्स नहीं आएगा तो हमें नहीं पता इस चीज का हमने क्या क्या है, इसलिए हम इसको किसके पुट करते हैं y के इक्वल पुट करते हैं। तो हमारे पास इसको हमने y इक्वल पुट कर दिया। अब हम देखेंगे इसका आगे फाइनल आंसर, इसके बाद हमारा फाइनल आंसर देखें क्या है। ये इसका हम लेंगे डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो यहाँ मेरे पास ये डी वाई बाय डी एक्स मेरे पास ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ आगे दोनों वैल्यूज का हम क्या लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स और x का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स और x माइनस का स्क्वायर। यहाँ क्या लगा, मैंने आपको बताया था अंडर रूट एक्स की पावर 2 का जो डेरिवेटिव वो होता है 2 स्टार्ट में और 2 में से 1 माइनस, और इस वैल्यू का आगे क्या आएगा डेरिवेटिव y बार dx। तो यहाँ इसकी जो स्टार्ट में 2 स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे d यहाँ में 2 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ डी वाई बाय डी एक्स आप लग जाएगा। तो यहाँ के पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ के पास x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो यहाँ आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपने देखना इधर माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी जो पावर है वो -2 और -1 है। -2 - 1 का मतलब है आपके पास -3। तो इधर आप लिख सकते हो 2 x की पावर -3 और आगे इसका आंसर क्या आएगा 1। 2x आ गया मेरे पास इधर, इधर मेरा प्लस और ये मेरे पास 2 आ गया, ये माइनस तो ये नीचे किस हो जाएगा प्लस में हो सकता है। तो इसको मैं इस तरह देख सकता हूँ। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर